गाइस, माय नेम इज कशिका. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. एंड फाइनली आफ्टर एजेस मुझे टाइम मिल गया है शूट करने का. बाय द वे, ये वीडियो मैंने पहले भी शूट करी थी, लेकिन तब क्या था, मैंने एसी ऑन करके वो शूट कर ली थी अपने पुराने वाले घर में. एंड एसी की बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही थी, वीडियो मुझे बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं लग रही थी. एंड ये वीडियो जो है ये मोर लाइक अ पॉडकास्ट वीडियो है, जिसमें आपका सुनने पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए. सो आई थॉट नहीं यार, दोबारा शूट करते हैं, अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाते हैं. सो दिस इज मोर लाइक अ शादी गाइड इनसाइक्लोपीडिया. ट्रस्ट में आपको इतना ज्ञान देने वाली हूँ ना इस वीडियो में, जो आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है. सो अगर आपकी शादी, आपके घर में शादी, आपकी फ्रेंड की, रिलेटिव की, किसी की भी शादी है, ये वीडियो खुद भी देखो, उनके साथ भी शेयर करो. बिकॉज आज मैं आपको पूरा एक वेडिंग शॉपिंग का गाइड देने वाली हूँ. नॉट जस्ट आउटफिट्स, ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज का मैं डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ. ऑब्वियसली मैंने कहाँ से लिया, साथ साथ मैं आपको शॉपिंग का ज्ञान भी दे दूंगी. सो अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली आकर शॉपिंग करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले जरा वापस आएंगे, सब्सक्राइब बटन पे करेंगे, लाइक पेट करेंगे, बिकॉज आई नो ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है. बाय द वे, डू लेट मी नो ये लुक कैसी लग रही है. इट्स लाइक माय फर्स्ट एवर अटेम्प्ट ऑफ प्रॉपर मैरिड सॉर्ट ऑफ लुक. पूरी एक करवा चौथ वाइब्स दे रही है लोग, बट डू लेट मी नो ये अच्छी लग रही है या फिर नहीं अच्छी लग रही. एंड नाउ लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फंक्शन, विच वॉज माई रोका फंक्शन, जो हुआ था लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में. आपने देखा होगा मैंने उसमें पर्पलिश वाइन जो कलर होता है वो वाले कलर का अनारकली पहना था. उसमें भी काफी कॉमेंट्स आए थे कहाँ से लिया. ये मैंने लिया था बॉम्बे सिलेक्शन से. अब बॉम्बे सिलेक्शन क्या है, इट्स अ वेरी नाइस ब्रांड इन दिल्ली. दिल्ली के बाहर भी आई थिंक ये काफी आउटलेट्स होंगे. आप अपनी सिटी में रहते हो तो एक बार सर्च करना गूगल पे, दिल्ली में काफी सारे हैं. सो दिल्ली में वी हैव आउटलेट्स इन लाजपत नगर, करोल बाग, रजौरी. बट मेरा जो फेवरेट आउटलेट है बॉम्बे सिलेक्शन का, जिसकी कलेक्शन मुझे स्पेसिफिकली पसंद है. नॉट जस्ट कलेक्शन, उनका स्टाफ, उनकी ऑल्ट्रेशन. आपका क्या होता है, स्टोर टू स्टोर भी ना फर्क पड़ता है ऑल्ट्रेशन का, कि वो किस अच्छी, मतलब कितना अच्छी क्वालिटी का ऑल्ट्रेशन करके देते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन आउटफिट आपको पहनते ही फिट तो आएंगे नहीं, आपको पूरी फिटिंग करानी होगी, किसी को स्लीव लगवानी होती है, किसी को कुछ चेंजेस कराने होते हैं. ज्ञान नंबर वन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, कभी भी आपको अच्छा हैवी इंडियन आउटफिट लो, सबसे पहले पूछो कि ऑल्टर आप करके दोगे ना. अगर वो मना करते हैं, ऑल्ट्रेशन नहीं करते, आई वुड से अवॉइड करो. बिकॉज इतना हैवी आउटफिट आप जब लोकल टेलर के पास लेके जाते हो ना, वो काफी बार रुइन हो जाता है, नहीं वो वैसा ऑल्टर हो पाता. सो बॉम्बे सिलेक्शन जब मैं गई थी, मैंने लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में जब रोका था, उससे जस्ट 2 या 3 वीक पहले मेरे कजिन की भी शादी थी उसी टाइम. सो मुझे उस शादी के लिए भी आउटफिट लेने थे, एंड लकीली उस टाइम बॉम्बे सिलेक्शन पे सेल चल रही थी. सो एक और मैं यहाँ पे ज्ञान देना चाहूंगी, आप ऐसी जो ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है ना, लाइक दिल्ली में जो बड़ी ब्रांड्स है, बॉम्बे सिलेक्शन, फ्रंटियर, यहाँ पर जाके अपना नंबर दे सकते हो. दे सेंड यू मैसेजेस ऑन देयर डील्स, की हमारी डील कब आएगी, हमारे डिस्काउंट्स कब आएंगे. एंड ट्रस्ट मी, इंडियन आउटफिट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी कि MRP पे खरीद लो, ऑलवेज वेट फॉर सेल. चाहे आपकी वेडिंग 2 या 3 महीने बाद है, अगर अभी सेल लग गई है ले लो. बिकॉज कलेक्शन जो होती है वो सीजन के हिसाब से होती है. तो समर का जो 4-5 मंथ्स का सीजन है, वो कलेक्शन सेम चलेगी. सो ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, दिस इज ऑन 25% ऑफ. मैं सारे आउटफिट का आपको MRP भी बताऊंगी, बिकॉज आई नो बहुत सारे क्यूरियस लोग होते हैं कि प्राइस कितना है, MRP बताओ. बहुत सारे लोग शेयर भी नहीं करते, बट आई'ल बी वेरी ऑनेस्ट विद माई ऑडियंस. तो मैं सारी MRP भी बताने वाली हूँ. सो द प्राइस ऑफ दिस आउटफिट कॉस्टेड मी अराउंड 11,000, मतलब ऑफ करके आप लगा सकते हो. ओरिजिनल MRP होगी इसकी 15-16 के करीब. ये मुझे पड़ा था 11 something का. एंड द क्वालिटी ऑफ बॉम्बे सिलेक्शन क्लोथ्स इज एक्चुअली वेरी गुड. आप कभी भी अच्छी क्वालिटी का इंडियन वेयर देखोगे ना, उसके बाद जब लोकल क्वालिटी का देखोगे, आपको मटेरियल से ही पता चल जाएगा कि कितना जमीन आसमान का फर्क है. और जब अपना फंक्शन होता है, लाइक इट्स योर फंक्शन, यू आर ऑन द लाइमलाइट, यू आर ऑन द स्टेज, आई वुड एडवाइज यू कि लोकल क्वालिटी की तरफ मत जाना. बिकॉज कोई आपके पास आके बैठेगा, ऑब्वियसली सब फोटोज लेते हैं, पास आते हैं, तो एक क्वालिटी का, वर्क का जो फर्क होता है ना, वो दिखता है. सो दूसरों की शादी में चाहे मैं भी 2-3 हज़ार सस्ते वाले पहन लेती हूँ, बट आई मेड श्योर कि मैंने अपने सारे फंक्शन में टॉप क्वालिटी पहनी है. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स सीज वेरी, जब केयरफुली देखते हो पता चलता है. सो दिस इज आउटफिट नंबर 1. ये वाली पिक्चर है सिंगल वाली, बिकॉज मेरा रोके का फोटोग्राफर था, वो इतना महान था, उसने मेरी सिंगल पिक्चर्स ली नहीं थी. एंड थैंक गॉड नहीं ली, बिकॉज मुझे वो मेकअप लुक बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. मतलब दैट वॉज अ डिजास्टर. कभी भी लोकल पार्लर जाके ना मेकअप मत करवाना. आई डोंट नो, वो बहुत लाउड मेकअप कर देते हैं, आईज इतनी लाउड एंड ऑल, बहुत लाउड मेकअप किया था. सो आई ट्रस्ट मी, कभी मेकअप करो ऑलवेज सिट एंड लाइक अपना मूड बोर्ड बना लो. एक और मैं यहाँ पे कशिका ज्ञान आपको देना चाहती हूँ, इन टर्म्स ऑफ मेकअप भी. आप पिंटरेस्ट से कहीं से भी आपको लगता है सटल मेकअप है, आपको अच्छा लग रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसका एक कोलाज बना लो, अपना एक मूड बोर्ड बना लो. सो दैट आप कभी भी अपने फंक्शन के लिए बाहर मेकअप कराने जाओ, हेयर कराने जाओ. हेयर में तो स्पेसिफिकली वो पूछते हैं,
आपका क्या प्रेफरेंस है, कैसे आप हेयर स्टाइल चाहते हो. सो यू ऑलवेज हैव समथिंग टू शो देम. अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि ऐसे ऐसे कर देना, ये वाले कर्ल्स कर देना, उनको नहीं समझ आएगा. सो बेस्ट है आपने एक कोलाज बना लो, मूड बोर्ड बना लो हर फंक्शन के हिसाब से. लाइक मैंने अपनी वेडिंग के लिए स्पेसिफिकली पूरा फोल्डर बनाया हुआ था, सो दैट मेरे एक इमेजेस में एक अलग फोल्डर रेडी रहे, मुझे कभी भी कोई इमेज दिखानी हो. सो आई ऑलवेज हैव एवरीथिंग रेडी इन माई हैंड. रो का ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन था, एक्साइटमेंट थी, बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था तो उस टाइम इतना टाइम नहीं था. सो जो मेकअप हेयर स्टाइल हुआ वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट उसके बाद मुझे ये लर्निंग मिल गई थी. सो ये लर्निंग मैं आपको भी देना चाहती हूँ. ऑलवेज शेयर योर आइडिया कि आपको कैसे बाल चाहिए, कैसे मेकअप चाहिए, लैशेस कैसी चाहिए, लिपस्टिक कैसी चाहिए. सो फील फ्री, आप उनको पैसे दे रहे हो, सो अच्छे से उनको एक्सप्लेन करो. और लेट्स मूव ऑन डायरेक्टली टू माय वेडिंग फंक्शन. अब वेडिंग फंक्शन का वीक पूरा स्टार्ट हो गया था. सो फर्स्ट जो फंक्शन नहीं था, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्मॉल रिचुअल जो होता है पार्ट सेरेमनी. तो उसमें क्या था, एक दिन पहले मैं अपना प्री ब्राइडल कराने गई थी, जिसमें मैंने अपने नेल्स कराए थे, हेयर स्पा एंड ऑल कराए थे. सो रैंडमली जब मैं रजौरी में गई थी, मुझे वहाँ पे लिबास का शोरूम दिख गया था एंड बाहर लिखा हुआ था 50% ऑफ चल रहा है. सो आई थॉट चलो अंदर जाके देखते हैं. सो आई वेंट इन साइड और वहाँ पे सारा अली खान का ये पोस्टर लगा हुआ था, उन्होंने येलो कलर का बड़ा प्यारा सा सूट पहना हुआ था. सो आई आज की ये है अवेलेबल, दे सेड है और ये 50% ऑफ पहना हुआ. जब भी मैं डील डिस्काउंट देखते ना मैं पागल हो जाती हूँ. शादी के टाइम तो अलग ही भूत था, जहाँ पे मुझे इंडियन आउटफिट 25% 50% ऑफ पे दिख रहे थे ना, आई वाज लाइक दे दो बिकॉज एक्चुअल में ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं. वी ऑल नो ऑल दीज आउटफिट्स आर शिट एक्सपेंसिव. तो जब मुझे दिखा, मैंने ट्राई किया, थोड़ा सा लूज था बिकॉज स्मॉल का भी जो लिबास की फिटिंग है ना वो मेरे बस साइज के अराउंड हल्की सी लूज आती है, बट देन आई वाज लाइक ले लेती हूँ बिकॉज 50% ऑफ पे आई थिंक 2500 समथिंग का पड़ा था. सो दिस इज वॉट आई वोर ऑन माई पार्ट सेरेमनी. सिंपल बाल मेरे हेयर स्पा वाले थे, सो मैंने बाल स्ट्रेट रख लिए थे, हुप्स पहन लिए थे, सूट पहन लिया, जूतियाँ पहन ली, दैट्स इट. मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, सारा अली खान का रिक्रिएट किया था मैंने लुक, तो मैंने उसमें भी दिखाया था, आप जाके देख सकते हो. इस आउटफिट का मैं लिंक दे दूंगी बिकॉज लिबास के जो आउटफिट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं डेफिनेटली इसका लिंक दे दूंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी, जिसके काफी ज्यादा प्रेज हुए थे बिकॉज एवरीबडी लव दैट लुक. मतलब मैंने जैसे इमेजिन करी थी ना, उससे 10 times बेटर वो निकल के आई थी. इनफैक्ट सारे फंक्शन का अगर मेरे से कोई पूछेगा ना मेरा फेवरेट कौन सा लुक था, वो मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी का लुक था बिकॉज इट वॉज लाइक अ परफेक्ट बार्बी प्रिंसेस. वो एक फ्रोजन प्रिंसेस वाली वाइब होती ना पूरी उस लुक में से आ रही थी. सो अब बात करते हैं इसके आउटफिट के बारे में. इसकी भी एक अलग कहानी है बिकॉज पूरा ज्ञान दे रही हूँ तो अच्छे से कहानी में सुनाई देती हूँ. सो वॉट हैपन, अगर आपने मेरी ब्राइडल जर्नी की वीडियो नहीं देखी, बाय द वे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई ऑन माय ब्राइडल आउटफिट की, शादी का लहंगा मैंने कैसे हंट किया, कौन कौन सी मार्केट गई बिकॉज मैं दिल्ली की सारी मार्केट एक्सप्लोर कर ली थी लहंगा के लिए. सो वो डेडिकेटेड वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. सो उसी टाइम की बात है जब मैं अपना ब्राइडल लहंगा हंट कर रही थी एंड आई वॉज लाइक एक मार्केट देख ली, दो मार्केट देख ली, तीन चार पता नहीं कितनी देख ली, मुझे नहीं पसंद आ रहा था ब्राइडल लहंगा. एंड देन सडनली वी वेंट टू CTC. CTC मोती नगर में है. CTC भी पूरा मॉल टाइप है, उसका नाम ही यही है, CTC मॉल मोती नगर में है. आपको इजीली मिल जाएगा, आप गूगल कर सकते हो न्यू दिल्ली में. सो इट्स लाइक अ वन शॉप फॉर एवरीथिंग, मतलब पूरा एक मॉल टाइप है. वहाँ पे आपको एथनिक, इंडियन, ज्वेलरी आई थिंक उनकी ओवर हाइप थी, मतलब उनकी ज्वेलरी कलीराज एक्सेसरीज के जो प्राइस है वो थोड़े से ज़्यादा थे, आपको नॉर्मल मार्केट में थोड़े कम प्राइस में मिल जाते हैं. मैं आपको एक बड़ी सस्ती मार्केट बताने वाली हूँ फॉर ज्वेलरी, स्टे ट्यून फॉर दैट. बट या उनके जो एथनिक कलेक्शन थी वो भी काफ़ी अच्छी थी. तो तब मैं CTC गई थी बेसिकली ब्राइडल लहंगा देखने बिकॉज मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि CTC के लहंगे काफी अच्छे हैं. सो वी वेंट देयर, हमने वहां पे काफी सारे ब्राइडल लहंगा ट्राई किए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. एंड आफ्टर दैट वी वर लाइक कि चलो यार अब एंगेजमेंट के लिए भी देख लेते हैं बिकॉज हम एक फंक्शन के देखने के लिए 5, 6, 7 मार्केट वेस्ट कर चुके हैं और ये एक गलती मैंने करी है. सो मैं आपको भी ज्ञान देना चाहती हूँ, कभी भी एक आउटफिट के पीछे मत पड़ना मेरे जैसे जो मैंने गलती करी कि मैं चांदनी चौक गई तो खाली ब्राइडल आउटफिट देख रही हूँ, खाली लहंगे देख रही हूँ. ऐसा नहीं है, आप बाकी ऑप्शन भी देखो, आपको एक रेट का पता चलता है. सो मैं पहले चांदनी चौक गई थी लेकिन मेरा तब दिमाग सारा मेरा ब्राइडल आउटफिट में था, तो मैंने गाउन्स के, एंगेजमेंट ड्रेसेस के देखा ही नहीं, मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया. बस लाइक पहले मुझे शादी का लहंगा लेना है, फिर मैं बजट अपना बाकी आउटफिट में देखूंगी बिकॉज ऑब्वियसली ऑल द फंक्शन आउटफिट्स वर बाय मी, मैंने अपनी सेविंग्स अपनी इनकम से सब कुछ खरीदा था. सो बस लाइक पहले शादी का लहंगा फिर बाकी चीज़ें बाद में. और ये मैंने गलती करी है. आई थिंक आप कभी भी जाओ, जिस भी मार्केट में जाओ, आप सारे कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स देखो, आप गाउन्स भी देखो, एथनिक भी देखो, आप कैजुअल वेयर सूट्स भी देखो, ताकि आपको एक प्राइस का आइडिया लग पाए.
सो सीटीसी में जो हम ब्राइडल आउटफिट के लिए देखने गए थे, ऑब्वियसली मुझे लहंगा नहीं पसंद आया। वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं पसंद आया। मैंने उसे पूरी रामकथा सुनाई है, मेरे दिमाग में लव एट फर्स्ट साइड वाला लहंगा स्टक था। सो इन द मीन टाइम हमने क्या किया, सेम उसी रूफ में सीटीसी का जिस फ्लोर में ब्राइडल मिलता है, थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ के वी हैव गाउन्स लाइक बॉल गाउन्स, जितने भी एथनिक वाले गाउन्स होते हैं, वो पूरी एक कलेक्शन थी वहाँ पे। सो आई थॉट चलो देख लेते हैं, बिकॉज ही सेड 25% ऑफ पे अभी गाउन्स हैं। अगेन डिस्काउंट सुनते दिमाग घूम गया। सो वहाँ पर गाउन्स देखे मैंने एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे वो फरी वाला पहनना है, बिकॉज ये मेरा मूड बोर्ड में था कि यहाँ से जो फरी वाला गाउन होता है ना, मुझे वो पहनना है। उसका एक और रीजन था कि उससे थोड़े से ना एक शोल्डर ब्रॉड दिखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम वेरी पेटीट, माई पार्टनर इज स्लाइटली हेल्दी एंड मैं बड़ी ऐसे फीबल दिखती हूँ। सो मुझे आइडिया काफी अच्छा लगा कि यहाँ पे ऐसे फरी होगा ना, तो मैं दूर से थोड़ी सी एक ब्रॉडर लुक आएगी। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे जो भी आप गाउन दिखाओ यहाँ पे शोल्डर पे वो फरी होना चाहिए। सो मैंने 2-3 गाउन ट्राई किया, उसके बाद मैंने फाइनली ये वाला गाउन ट्राई किया जो मैंने पहना था एंड आई लव्ड इट। मतलब जैसे ही पहना वाज लाइक, मैं अपनी भाभी के साथ गई थी, आई सॉ हर, शी सॉ मी एंड शी वाज लाइक ये तो डन करे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑब्वियसली मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी पूरी अपनी वेडिंग शॉपिंग के टाइम, आई थिंक मैं सबको ये ज्ञान देती हूँ, हमेशा अपना बजट स्ट्रिक्ट रखो, ओवर एक्साइटमेंट में मत बहना। मैं भी एक ओवर एक्साइटमेंट में चली गई थी, नहीं यहाँ शादी एक बार ही होती है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी, मैं सबसे अच्छे कपड़े लूँगी। सो मैंने उस टाइम बजट का देखा ही नहीं। यूजली क्या होता है, जब भी जाता है स्ट्रिक्टली बोलते हैं मुझे 10,000 के दिखाओ, 20,000 के दिखाओ, 30,000, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरे केस में क्या था, मैं अपना मस्त हर चीज़ ट्राई कर रही थी, बिकॉज आई वॉज सुपर एक्साइटेड। सो अगेन ये गाउन भी ट्राई कर लिया, बजट मैंने उनको बताया नहीं। सो वंस आई ट्राइड इट, पहन लिया, सुंदर लगा, उसके बाद पूछा क्या प्राइस है, ही सेड ये तो 75,000 का है ना, लाइक 75,000 के आसपास था, और फिर उस पर 10-15 समथिंग ऑफ करके इट कॉस्टेड अराउंड 63,000 का ये गाउन पड़ रहा था। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली इससे पहले मैं जब ब्राइडल शॉपिंग के लिए गई थी, मैंने एंगेजमेंट के बॉल गाउन्स के रेट देखे नहीं, चांदनी चौक में क्या रेट है, किस रेट पे मिल रहे हैं। सो उस टाइम मुझे ये भी ठीक लगा कि यार ब्राइडल आउटफिट अगर 1.5-2 लाख के आराम से मिल रहे हैं तो 63-60 ठीक ही प्राइस होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कंपेयर नहीं किया था और मुझे गाउन बहुत पसंद आ गया था एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे लेना ही है भाई, लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हुआ। बजट फिक्स नहीं था, चीज़ देखते ही पसंद आ गई और गड़बड़ हो गई और मैंने ये गाउन ले लिया। बट नेवर माइंड, अच्छा लग रहा है, लुक काफ़ी अच्छी इसकी निकल के आई। बट आई थिंक ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगी, इतना भी मत स्पेंड करो, अपने एक स्ट्रिक्ट बजट में रहो। अगर आपका स्ट्रिक्ट बजट है तो अपना बजट बना के चलो, आपको हर जगह अपना बजट में आउटफिट मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपने बजट के बाहर जाओगे, कुछ ट्राई कर लोगे, फिर आपको लोअर वाले पसंद नहीं आएंगे, बिकॉज जितना बजट बढ़ाओगे ना उतना अच्छा घेरा आएगा। अब ये गाउन अगर मुझे 60-63 के अराउंड का पड़ा है ना, आई बेट मुझे 30-35,000 के चांदनी चौक में भी जब मैं बाद में गई, मैंने देखे वहाँ पे गाउन्स मिल रहे थे, बट अगेन वो घेरा वो नहीं था, जो एक घेरा आता है ना हैवी कैन का, एक्चुअल में जो प्राइस होता है वो उसी का होता है, घेरे का, क्वालिटी का, जो उस पर हैंडवर्क होता है, जो फर का एक क्वालिटी होती है। सो डेफिनेटली उस सेंस में कह सकती हूँ कि मैंने 63 लगाए हैं ना, तो मुझे वो डॉली जे लेवल का आउटफिट मिला, जो आपको मेहरोली में अगर आप जाओगे डिजाइनर स्टोर्स में जाओगे, आपको डॉली जे बहुत सारी ब्रांड्स में उस लेवल का आउटफिट मिलता है। सो वो क्वालिटी मुझे सीटीसी में 63 में मिली है, तो मैं उसको कंपेयर करके खुश हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, मुझे वो एक अच्छी क्वालिटी मिल गई। बट अगेन अगर आपका बजट थोड़ा स्ट्रिक्ट है, आई वुड से गो टू चांदनी चौक। चांदनी चौक में एक पूरी लेन है, मुझे वो गली नहीं याद आ रही, दर इज लाइक अ घंटाघर जैसी गली है, वो पूरी हो जाती है, नई सड़क वाली गली है, नई सड़क की तरफ हो जाती है। सो अगर आप नई सड़क उतरोगे या फिर आप चावड़ी बाज़ार उतरोगे या फिर चांदनी चौक, दोनों के बीच में ही वो नई सड़क की मार्केट पड़ती है और वहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको गाउन्स मिलेंगे। एक जो शॉप मैं आपको बता सकती हूँ जहाँ पे सबसे सस्ते मुझे गाउन मिले, जो मैं अपनी एक ब्लॉगर फ्रेंड के साथ गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खुद भी अपनी एंगेजमेंट का वहीं से लिया था, उनको 20-25,000 का पड़ा था। सो वो शॉप थी अरुण वस्त्र भंडार, अरुण वस्त्र भंडार, एंड जो दिल्ली में रहता होगा, जो चांदनी चौक जाता होगा, उनको ये शॉप पता होगी, बिकॉज ओ माय गॉड, पूरी चांदनी चौक की जो नई सड़क है ना, पूरी रोड पे लाइन लगी होती है खाली उसी पर्टिकुलर शोरूम की, बिकॉज उनके प्राइजेस क्रेजी हैं, वो क्रेजी सस्ते प्राइजेस में कपड़े देते हैं, तो वहाँ पे लिटरली लाइन लगी होती है। सो आई वुड एडवाइज यू कभी भी जाना, वीकडेज में जाना, वीकेंड पे मत जाना, वीकडे में जाओ थोड़ा बहुत खाली मिलेगा, वर्किंग डे पे, मॉर्निंग डे पे जाओगे ना खाली मिलेगा। सो एक दिन अगर ऑफिस की छुट्टी ले सकते हो ना, प्लीज़ ले लो, बिकॉज सैटरडे संडे वही मार्केट इतनी क्राउडेड होती है ना, आप कपड़े देख नहीं पाओगे, ट्राई नहीं कर पाओगे, इरिटेट हो जाओगे। सो इससे बेटर है एक दिन की छुट्टी लो, वीकडे में सुबह सुबह जाओ, आपको ईजिली मिल जाएगा। सो अरुण वस्त्र
अक्सर भंडार में मुझे गाउन्स काफ़ी अच्छे लगे। फिर उसी गली में और आगे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे भरमार थी गाउन्स की, तो आपको इजीली 20-25-30,000 में भी गाउन्स मिल जाएंगे। बट अगेन इफ़ यू कंपेयर विद दिस ब्यूटी, वो वाला घेरा आपको 25-30 में नहीं मिलेगा। आपका जितना घेरा बढ़ता है, जितना कैन कैन की एक लेयर्स बढ़ती है ना, आपका अमाउंट उतना बढ़ता जाता है। बट या यू कैन फाइंड चीपर ड्यूब्स इन योर बजट, सो ऐसा नहीं है मैं आपको नहीं वो बोल रही कि आपको इसी लेवल का लेना है, नहीं, आप अपने बजट में भी ले सकते हो। सो दिस इज माई एंगेजमेंट आउटफिट। अब बात करते हैं इसकी ज्वेलरी की। आउटफिट मैंने जितना एक्सपेंसिव लिया ना, मुझे उतनी सस्ती और एकदम बढ़िया बजट क्वालिटी की ज्वेलरी मिल गई। सो मैं अपनी मदर के साथ गई थी सदर बाजार, मैंने उस पर एक रील भी बनाई हुई है, लेट्स गो टू सदर बाजार, मैंने एक क्विक सी रील बनाई हुई है, आई थिंक मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड करी है। सो उस टाइम पे हम सदर बाजार में गए थे एंड वहाँ पे नीचे जो खड़े रहते हैं ना, प्रमोट करते रहते हैं ब्रांड्स को, दे वाला ऊपर आओ हमारी ज्वेलरी कलेक्शन देखो। सो वहाँ पर हमें एक शॉप मिली आर बी ज्वेलर्स इज द नेम। हम ऊपर गए एंड आई सॉ देयर कलेक्शन एंड ओ माई गॉड, वो एक होल सेल की दुकान है। सो अगेन वीकेंड पे मत जाना, बिकॉज वीकेंड पे उनके पास सारे डीलर्स आते हैं जो बेसिकली रजौरी करोलबाग जिनकी बड़े बड़े शोरूम्स में दुकानें होती हैं ना, वो इनसे लेने आते हैं होलसेल प्राइस पे, तो आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज शॉप बहुत छोटी है। सो हम भी वीकडे में गए थे, मॉर्निंग में गए थे, तो लकीली हमें अंदर जाके स्पेस मिल गई, हम बैठ गए, उन्होंने हमें कलेक्शन दिखाई एंड दे हैव बॉक्सेस फॉर एवरीथिंग, और वो आपको ऐसे हर चीज़ निकालने नहीं देंगे। मतलब आपने एक बॉक्स में से एक चीज़ निकाल ली, ठीक है ये डन करना है तो ही निकालेंगे, अदरवाइज हैव टू कीप इट बैक, बिकॉज वो होलसेल में ज़्यादा डील करते हैं लेकिन वो वीकडेज में कस्टमर्स ले लेते हैं। सो मैंने एडी के उनके सेट देखे एंड ओ माई गॉड, आपको 1,000-1,500 रुपये में इतने अच्छे वो एडी के सेट दे रहे थे। यही एडी वाले जो ज्वेलरी सेट होते हैं ना, ये अगर आप करोलबाग जाओगे, आप रजौरी में सोनी ज्वेलर्स पे जाओ, बहुत सारे बड़े बड़े ज्वेलर्स की ये जो सेमी प्रीशियस नकली ज्वेलरी देते हैं, वो वाले शोरूम्स पे जाओगे ना, वो आपको यही चीज़ 4,000-5,000 की देंगे। सो आराम से 50% कट का मार्जिन है। आई थिंक अगर आपको होलसेल का बिजनेस भी करना है ना, तो आप वहाँ जा सकते हो। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं कोई स्पॉन्सरशिप में वर्क नहीं कर रही। सो मैंने उनको बोला कि मुझे एडी में और ज्वेलरी दिखाओ, बिकॉज मुझे वो सगन वाले आउटफिट के लिए चाहिए थी। सो मुझे फाइनली पसंद आ गई। सो मैंने ज्वेलरी सेट ये वाला लिया था, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करूंगी। उसके जो इयरिंग्स थे वो अलग थे, बिकॉज जब आप सेट वाली ज्वेलरी लेते हो ना, उसके इयरिंग्स इतने इतने आते हैं एंड ऑब्वियसली मैं ब्राइड हूँ तो मुझे बड़े इयरिंग्स चाहिए थे, तो मैंने सेपरेटली एक और इयरिंग्स लिए। सो आई थिंक ज्वेलरी मुझे 1,300-1,400 की पड़ी थी, इयरिंग्स मुझे 4,500 के पड़े थे, जो आपको बाहर मार्केट में एक्सपेंसिव प्राइस में मिलते हैं। तो मेरी ज्वेलरी अच्छे बजट में हो गई थी। मैंने दो ब्रेसलेट भी लिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक हाथ में मुझे वॉच पहननी थी, दूसरा हाथ मेरा पूरा खाली था बिकॉज एंगेजमेंट पे चूड़ा तो था नहीं, तो मैंने दो ब्रेसलेट लिए उनसे, वो ऐसे स्ट्रिंग वाले होते हैं टाइट करने वाले, एक सिंगल मुझे कम लग रहा था तो मैंने दो लिए एंड आई थिंक वो ब्रेसलेट भी मुझे 125-150 समथिंग के पड़े थे, वेरी वेरी अफोर्डेबल। अगर आप सदर बाजार जाओ ना, वो शॉप पे जरूर जाना, यू विल लव इट। सो कॉकटेल वॉज मोर लाइक अ फन सेरेमनी, वो ऐसा नहीं था कि हमें प्रॉपर कुछ ऐसे हैवी हैवी आउटफिट्स पहने। दो मैंने गाउन ले लिया था, बट देन आई वाज लाइक आई वांट टू एंजॉय दिस फंक्शन, बिकॉज बाकी सारे फंक्शन में तो मैं ऐसे हैवी हैवी आउटफिट्स पहने होते हैं, आप डांस नहीं कर पाते, इन्जॉय नहीं कर पाते। तो दो या तीन वीक पहले मैंने अर्बैनिक हॉल बनाया था, उसमें गोल्डन कलर की ड्रेस आपको दिखाई थी अर्बैनिक की, एंड दिस वॉज परफेक्ट बिकॉज हमारे कॉकटेल की थीम भी आई थी, आर थीम वॉज गोल्डन एंड ब्लैक, हमने यही थीम रखी थी, हमने सबको बोला था कॉकटेल पे आता गोल्डन ब्लैक यही पहन के आना। सो आई वो गोल्डन एंड अमन वो ब्लैक, सो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ही बन गया था। सो आई वोर दिस गोल्डन ड्रेस जो काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर थी, मैंने हल्की सी ऑल्टर करा ली थी अंडर आर्म से बिकॉज लूज आ रही थी, बट द ओनली मिस्टेक आई मेड वॉज अ टमी टकर। सो मैंने एक जिवामे से टमी टकर लिया था, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर टमी टकर, जो एक अंडर गारमेंट आती है ना आपकी पैंटी से अटैच्ड होता है एक बड़ा सा स्ट्रैप। सो उससे क्या हुआ, मैंने वो पहन तो लिया और मैं बहुत जल्दी में निकली बिकॉज कॉकटेल जो रात को थी, दिन में संगीत थे मेरे, दिन में संगीत हुआ, उसके बाद संगीत का थोड़ा बहुत खाना होता है, चाय नाश्ता जो भी होता है, लिटरली वो पूरा वाइंड अप करते ही मैं खुद तैयार हुई, मैंने खुद हल्का हल्का मेकअप किया, ड्रेस पहनी और हम निकल गए कॉकटेल के लिए। सो मैंने मिरर में ना ध्यान से देखा नहीं, और मैंने सबसे बड़ी गलती ये भी करी कि मैंने वहाँ जाकर भी जब फोटोज़ वगैरह खिंचाई ना, मैंने उस टाइम नहीं देखा। अगेन अनदर कशी का ज्ञान मैं आपको देने वाली हूँ, आपके वेडिंग फंक्शन पे आप जब भी एंटर करो ना, एंटर करते हो ऑब्वियसली फोटोग्राफर आपकी सबसे पहले फोटोज लेता है बिकॉज आप एकदम फ्रेश होते हो, हमेशा जो ब्राइड का शूट होता है वो सबसे पहले होता है हर फंक्शन में, बिकॉज आपका मेकअप वेकअप सब फ्रेश होता है, अच्छी फोटोज आती हैं। सो मैंने जो गलती करी है ना हर फंक्शन में, आई कैन से कि मैंने फोटो खिंचवाते देखा नहीं कि दिखाओ एक बार, जब आप अच्छे HD कैमरा से फोटो खिंचवा के देखोगे ना, आपको सारी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं कि ओके मेकअप कुछ ऐसा है, लिपस्टिक ऐसी लग रही है, काफ़ी बार आपको खुद लगे लिपस्टिक डल है तो आपने आपके पास जो लिपस्टिक आप वो लेकर डार्कन कर सकते हो। सो कॉकटेल की जो मैंने गलती करी यही थी, वो जो टमी टकर मैंने गंदा सा ले लिया था, उससे सारा जो मेरा फैट था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और मेरी जितनी भी लिटरली मैं आप इंसर्ट करूँगी 2-3 पिक्चर्स, सारी पिक्चर्स में मेरा ऐसे एक टायर्ड जैसा दिखता
लगता है, जबकि मेरा इतना टमी है नहीं, बट वो फैट पूरा ऊपर ट्रांसफर हो गया था तो एक टायर बन गया था और वो आउटफिट पूरा रुइन हो गया। आई थिंक मुझे अपनी कॉकटेल की फोटोज देख के बड़ा रोना आता है कि क्या यार मैंने अच्छा खासा आउटफिट खराब कर दिया। सो या आप भी कभी भी एंटर करो अपने फंक्शन में, पहले अपना शूट करा लो और अच्छे से देखो, जूम कर करके उसको बोलो कैमरामैन को एक बार दिखाओ, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए आउटफिट का। सो ये मैंने पहना था, मेकअप मैंने खुद किया था, जल्दी जल्दी मेकअप कर लिया था, सिंपल ओपन हेयर कुछ भी नहीं किया था, हल्का हल्का प्रेस मार लिया था एंड माई हील्स एंड दैट्स इट। मैंने एकदम कम्फी कपड़े पहने थे ताकि मैं अच्छे से इन्जॉय भी कर पाऊँ। सो दिस वॉज माई कॉकटेल आउटफिट। अब उसके अगले दिन हुआ था हल्दी, मेहंदी एंड राजपूतों में एक सेरेमनी होती है बान सेरेमनी। सो हम हल्दी को बान सेरेमनी बोलते हैं, बान लगता है बेसिकली। सो मॉर्निंग में हुई थी हल्दी सेरेमनी। अब क्या हुआ ना, इसके लिए मुझे काफ़ी एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर से बड़ी हेट मिली है, मतलब उन्होंने तो हर जगह जाके एक चीज़ लिखी थी, मेरे क्यू एन ए में लिखी थी, मेरे कॉमेंट्स में लिखी थी कि आपने शादी में 2 लाख का लहंगा पहना है लेकिन आपने हल्दी में तो 1500 का सूट पहन लिया, विच इज़ वेरी बैड, आपको हल्दी पे भी महंगा पहनना चाहिए था। सो उनको मैंने आंसर भी किया था अपने इंस्टाग्राम के क्यू एन ए पे कि क्या होता है, हमारा जो बांध सेरेमनी होती है, जो हल्दी लगती है बेसिकली, उस टाइम आप जो आउटफिट पहनते हो यू हैव टू थ्रो इट, मतलब थ्रो एज इन मम्मी ने मुझे बताया था कि किसी को दे देना होता है, एज इन आप वो आउटफिट नहीं दोबारा पहन सकते। सो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा ही पहनोगे जो आप दे सकते हो, आप 10-20-30 हज़ार का आउटफिट लेके ऐसे नहीं बैठ जाओगे कि हाँ मुझे हल्दी लगाओ फिर मैं नेक्स्ट डे किसी को ऐसी दे दूँ। सो मेरे में वो जिगरा नहीं था, मैंने एक येलो कलर का आउटफिट लिया था बॉम्बे सिलेक्शन से, बट अगेन जो हल्दी सेरेमनी होती है उसमें जो धूप घास जिसको बोलते हैं उससे तेल लगाया जाता है, तेल चढ़ना इसको बोलते हैं। सो आपके नीज पे ऑयल लगता है, यहाँ पर ऑयल लगता है, सर पे ऐसे ऑयल लगता है, सो ऑब्वियसली वो ऑयल गिरेगा आपके आउटफिट पे। सो उसी टाइम का मेरा एक मतलब मॉर्निंग में ही मैंने अलमारी खोली, मुझे सूट दिख गया, ये मैंने मीशो से लिया था 1 या 2 साल पहले, मैंने मीशो के अपने हॉल में भी दिखाया था और मैंने एक बार आई थिंक दिवाली में पहना था शायद, या मैंने एक दिवाली पूजा में पहना था, दैट्स इट। सो मैंने निकाला, मैंने अपने वहाँ पे सारे लेटर्स आए हुए थे सुबह सुबह, तो मैंने दिखाया कि ये पहन लूँ, उन्होंने बोला क्या है परफेक्ट है, येलो कलर है, सुंदर लगेगा, फोटोज अच्छी आएगी। सो मैंने सूट पहन लिया और ज्वेलरी के लिए जो यूजुअल आपको चांदनी चौक किनारी बाजार या फिर सदर बाजार में सबसे सस्ती मिलती है, वैसे जो वाली फेक फ्लावर की ज्वेलरी मिल रही है ना सबसे वायरल है, मैंने वही वाली ले ली थी। ये सदर मुझे आई थिंक 80 या 70 की मिली थी और चांदनी चौक में इसका प्राइस था 110-150। सो अगर आप एक बार सदर जा सकते हो ना, सदर जरूर जाना, आपको अपने ट्रूजो का ना सब कुछ मिल जाएगा। लाइक मैंने अपने ट्रूजो के लिए बहुत सामान लिया था, हेयर बैंड, क्लच, क्लिप्स, पिंस, साड़ी की जो पिंस होती हैं, छोटे छोटे जो सामान होता है ना वो आपको सदर बाजार में बहुत सस्ता मिलता है, तो मैंने वहीं से ही वाली येलो वाली ज्वेलरी ली थी। कमिंग टू मेहंदी लुक्स, मेरी हल्दी सुबह थी, रात को मेहंदी थी, आई वाज श्योर कि मुझे तो एक टिपिकल इंडियन जो फंक्शन के कलर्स होते हैं ना हल्दी पे, येलो, मेहंदी पे ग्रीन, ऐसा ही पहनना है। सो मेहंदी पे जो मेरा आइडिया था इट वाज जंप सूट, बिकॉज मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज देखे ना हल्दी मेहंदी सेरेमनी पे वो जंप सूट से पहनते हैं, स्पेसिफिकली जो पापा डोंट प्रीच के जंप सूट्स आते हैं काफ़ी फेमस हैं वो वाले जंप सूट्स, बिकॉज वो वाला वर्क काफ़ी फेमस है और आपको पापा डोंट प्रीच के जंप सूट्स मिल रहे हैं, आपको रजौरी में मिल जाएंगे, चांदनी चौक में आपको सारे जगह वो पापा डोंट प्रीच वाले लहंगे मिल जाएंगे। अब एक पिक्चर इंसर्ट करूंगी, मैंने रजौरी में एक जंप सूट ट्राई भी था विच वॉज लाइक अ कॉपी ऑफ पापा डोंट प्रीच, जो एक येलो लाइन मिंटी सा कलर था। सो इसका उन्होंने प्राइस बताया था आई थिंक 19,000 समथिंग, और ये जो आउटफिट था ना मैंने लास्ट में लिया था जब मेरे एंगेजमेंट, शादी, रिसेप्शन सब हो गया था, आई वाज लाइक चलो यार मेहंदी के लिए भी कुछ ले लेते हैं, बिकॉज ऐसे मेहंदी लगाऊंगी अच्छा ही लगेगा, ऐसी कुछ बेकार सा पहनूंगी, एंड देन आई वाज लाइक बहुत खर्चा हो गया एंगेजमेंट का, शादी का, मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा बजट एक्सीड कर गया था। सो मैं मेहंदी के लिए आई वाज लाइक नहीं यार मुझे कुछ सस्ता ही देखना है, सो मैंने चांदनी चौक में भी लहंगे ट्राई किए एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे मेहंदी पे ना जंप सूट ही पहनना, बिकॉज लहंगे में नहीं कंफर्टेबल होता, आपको पैर ऊपर करके बैठना होता है और एक वैरायटी भी रहती है। लाइक अगर आप नोटिस करो मैंने फर्स्ट फंक्शन में लाइक अनारकली पहना, फिर गाउन पहना, फिर एक सूट डाल लिया, कॉकटेल पर ड्रेस डाल ली, सो आई वाज वेरी क्लियर हर फंक्शन पे ना एक अलग आउटफिट होना चाहिए ताकि एक अच्छा कोलाज टाइप बन पाए। सो मैं अड़ी हुई थी मुझे जंप सूट ही चाहिए और मुझे जंप सूट नहीं मिला बजट में, आई वाज लाइक 4-5-6 थाउजेंड, इससे ऊपर मैंने नहीं जाना बिकॉज अब मेरे पैसे हो गए हैं खत्म। सो आफ्टर दैट क्या हुआ, सबसे लास्ट में जब मैं लाजपत नगर गई, मैं लाजपत नगर कुछ काम से गई थी, मुझे कुछ और पिकअप करना था वहाँ से, तो वहाँ रैंडमली एक शोरूम था नारंग शोरूम, आई स्टिल रिमेंबर उनका नाम था नारंग क्लोदिंग, वो मेन रोड पर ही है, काफ़ी फेमस है, आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे होलसेल प्राइजेज हैं। द ओनली डाउन साइड वहाँ पे ट्रायल रूम नहीं था, वहाँ पे लिखा ही हुआ था हमारे होलसेल टाइप ऑफ शॉप है, हम ट्रायल रूम नहीं देते, ऊपर से पहन के देखना तो देख सकते हो, यू कैन नॉट ट्राई। सो वहाँ रैंडमली उन्होंने मुझे एक जंप सूट दिखाया प्रॉपर ग्रीन कलर का, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी, जो मैंने पहना था और इस पर भी बहुत कॉमेंट्स आए, जब मैंने रील डाली थी ना अपनी मेहंदी की, सब ने पूछा था कहाँ से लिया,
कहाँ से लिया, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये जंपसूट मुझे भी बहुत डिफरेंट लगा. मैंने चांदनी चौक में नहीं देखा, मैंने रजौरी करोलबाग सारी जितनी मार्केट एक्सप्लोर करी, मैंने ऐसा जंपसूट नहीं देखा. सो आई आस्क्ड द प्राइस, दे वर लाइक इसका प्राइस है 5000 समथिंग, लेकिन 10% को डिस्काउंट चल रहा है तो आई थिंक 4700 का मुझे पड़ा था. 4700 अंडर 5000 ये जंपसूट मुझे पड़ा था. सो या आई गॉट इट, और मैंने ऑल्ट्रेशन भी नहीं कराई बिकॉज दे सेड अगर ऑल्टर करेंगे आपको 2-3 दिन बाद फिर आना पड़ेगा, और मेरे पास फिर टाइम नहीं था. 1-2 हफ्ते बाद शादी थी ऑब्वियसली, तो मैं लेके आ गई. तो मैंने अपने अपने भैया से जो उन्होंने मेरा ब्लाउज स्टिच किया है उन्हीं से ऑल्टर करा लिया था. वो काफ़ी अच्छी नीट ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो उन्होंने बहुत प्यारा मुझे ये ऑल्टर करके दिया. पूरा पैडेड ये जंपसूट है तो मुझे अंदर कुछ और पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली जंपसूट पहन लिया था. तो स्ट्रैपलेस का भी इशू नहीं था, स्ट्रैप्स काफ़ी इसकी अच्छी कंफर्टेबल थी. इसके बाद दुपट्टा भी आया. तो ये चीज़ मैं आपको भी एडवाइस करूँगी, अगर आप मेहंदी लुक के लिए देख रहे हो ना, गो फॉर जंपसूट्स, या फिर आप क्या कर सकते हो जो क्रॉप टॉप और प्लाजो आते हैं. जंपसूट का एक दूसरा वेरिएशन क्रॉप टॉप प्लाजो होता है, जस्ट दैट उस जंपसूट में वो चीज़ अटैच होती है, क्रॉप टॉप प्लाजो वो सेपरेट होते हैं. ऐसा कुछ ही लेना. लहंगा अनारकली सूट्स मत लेना बिकॉज आप पैरों पर करके नहीं बैठ सकते, आप कंफर्टेबल नहीं होते. मैं मस्त अपना लेग ऐसे हल्का सा खोल के आराम से कंफर्टेबली बैठी हूँ. सो या ये आउटफिट अच्छा भी था. सो या फाइनली मैंने आपको बता दिया. आई एम नॉट श्योर ये और कहीं अवेलेबल है, अगर आपको ऐसा कोई आउटफिट कहीं दिखता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना बिकॉज मुझे ऐसा आउटफिट कहीं नहीं दिखा. ज्वेलरी के लिए क्या हुआ, ज्वेलरी के लिए मैंने एक ये ऑनलाइन अमेजोन से मंगा ली थी, कलरफुल ज्वेलरी थी बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया ये आउटफिट मैंने लास्ट मिनट पे लिया. तो मैंने ज्वेलरी पहले ही ऑर्डर कर दी थी अमेजोन से, मैं इसका लिंक दे दूंगी बाय द वे. सो इसके इयररिंग्स थे, मांग टीका था मिरर वाला, फिर एक पूरा नेक पीस था ऐसे पर्ल्स पर्ल्स वाला हाथों का था. मैंने कुछ नहीं पहना, मैंने पहने खाली इयररिंग्स और मांग टीका. मेरा जो सुबह का हल्दी का मांग टीका था ना, मैंने वही लगाया हुआ था, वो मैंने दोबारा पहन लिया था. बट नाउ आई फील लाइक मुझे ज्वेलरी में थोड़ा सा, एक जो बोहो वाली ज्वेलरी आती है ना आजकल, अब मुझे इंस्टाग्राम पे दिख रही है, मतलब मुझे अब इतना बुरा लग रहा है. जब मैं ढूंढ रही थी तब मुझे कुछ नहीं दिखा, अब मुझे ब्राइडल ज्वेलरी भी इतने अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे. सो काफी सारे एक एथनिक वाली ज्वेलरी आती है जो पर्ल्स के बीड्स के मल्टी कलर ज्वेलरी बनाती है. सो आई थिंक मुझे उस टाइम वही पहनना चाहिए था, बट नेवर माइंड. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द ब्राइडल लुक. ब्राइडल लुक के बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली बिकॉज मैंने पूरी रामकथा के लिए अलग से वीडियो बनाई है. मैं यहाँ पे भी आई बटन में कहीं लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मैंने ब्राइडल शॉपिंग कैसे करी, उसमें भी मैंने सब कुछ बताया है, मिस्टेक्स जो भी चीजें मैंने करी हैं, आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं, तो प्लीज वो जाकर देखना, मैं नीचे भी लिंक कर दूंगी. ज्वेलरी की जहां तक बात की जाए, अगेन ज्वेलरी में भी क्या हुआ, जब मैं सदर गई थी आरबी ज्वेलर्स के पास, तो मुझे एक दिमाग में बैठ गया कि ओ माय गॉड, सदर में तो बड़ी सस्ती ज्वेलरी मिलती है, मैं तो सदर से लूंगी, काफी सस्ती है. सो सदर में ही आगे मुझे एक दो दुकानें और मिली थी, वहां पर एक शॉप मुझे मिली थी भगवान ज्वेलर्स करके, मैं वहां पर गई थी. और मुझे वहां पर जाते ही ये कुंदन, क्या पाची कुंदन जैसा बोलते हैं, ये सेट पसंद आ गया. मैं यहाँ पे फर्स्ट इमेज इंसर्ट करूंगी जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी कि ऐसी ज्वेलरी पहननी है. सो ये जो मैंने फर्स्ट ज्वेलरी ली थी, ये मुझे बाद में नहीं पसंद आया, वाज लाइक मुझे डार्क ग्रीन नहीं पहनना. सो मैंने बाद में वो चोकर रिप्लेस करके एक नेकलेस ले लिया था ताकि एक लेयर्ड में एक बन जाए. मैं पहले से क्लियर थी कि मुझे एक लेयर वाला नेकलेस लेना है, मुझे एक सिंगल मोटा नेकलेस नहीं लेना बिकॉज जब ब्राइडल शॉपिंग में, मतलब अपने ब्राइडल लुक के लिए बड़ा सा नेकलेस लेते हो ना, फिर आप उसको रिपीट नहीं कर पाते बिकॉज आप कभी भी उसको किसी और के फंक्शन पहनोगे तो बहुत ओवर लगने वाला है. सो आई थॉट कि स्टैकेबल लेते हैं कि एक ले लिया और एक और ले लिया, सो दैट मैं अलग अलग उसको फ्यूचर में पहन पाऊँ. जो मुझे अब लगता है कि ठीक है यार, मुझे रेंटेड ही करना चाहिए था. अगेन अनदर मिस्टेक दैट आई डिड, मैंने रेंटिंग ऑप्शन नहीं देखे. मुझे बाद में किसी ने बताया कि आप रेंट कर सकते थे, आपके काफ़ी पैसे बच जाते, मैंने जाते ही इंस्टेंटली खरीद लिया था. और ये जो पाची कुंदन सेमी प्रेशियस ज्वेलरी भी होती है ना, ये बहुत महंगी आती है. लाइक ये जिस शॉप से मैंने लिया सदर की, या थी मेरा टोटल बिल ही 25-26,000 का बना था, जिसमें ये ज्वेलरी थी, माथा पट्टी थी, मांग टीका था, इयररिंग्स, कड़े भी लिए थे मैंने चूड़े के लिए, आगे पीछे के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली चूड़ा मैं नहीं निकाल सकती थी, तो जो पीछे वाला कड़ा है आगे वाला, तो मैंने लॉक वाला लिया था सो दैट लॉक वाला इजीली रिमूव हो जाए. सो दिस वाज द मिस्टेक दैट आई डिड. उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बहुत लास्ट में लिटरली अपनी शादी से 2 या 3 दिन पहले जब मैं करोलबाग गई थी, हमें मान्यवर जाना था, तो मैं तब चिनार ज्वेलर्स गई थी. चिनार ज्वेलर्स जो है वो करोलबाग में मैकडॉनल्ड्स के जस्ट सामने है, बेसमेंट में जाके, एंड ओ माय गॉड देयर कलेक्शन. अब जाके मैं नोटिस कर रही हूँ जितनी भी इंस्टा पे ब्राइड्स हैं वो सब चिनार ज्वेलर्स की ही ज्वेलरी पहन रही हैं. अगेन बाद में अकल आई, मुझे वहीं से लेना चाहिए था, वहां से भी मैंने एक ज्वेलरी पीस लिया. तो मैंने वहां से क्या किया, जो मैंने ज्वेलरी सदर से ली थी उसका कलर चेंज करा दिया था बीड्स का, मुझे डार्क ग्रीन नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने वहां पे मिंट एज इन जो ग्रीनिश कलर होता है लाइट वाला, मैंने वो कलर लगवा दिया था. और मांग टीका फिर मैंने उनसे लिया चिनार से, बिकॉज जो मैंने सदर से मांग टीका लिया था वो डार्क ग्रीन बेस पे था, मुझे डार्क ग्रीन नहीं चाहिए था, तो मैंने एक अलग से मांग टीका लिया, उसको पहले वाली माथा पट्टी में रिप्लेस कराया.
मतलब इतना अप एंड डाउन किया, और अभी मुझे लगता है मुझे अपनी ज्वेलरी नहीं पसंद आई। मतलब मुझे चिनार से एक सिंपल ब्राइडल ज्वेलरी रेंट ही कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज रेंटेड आप पैसे दो उसके बाद रिटर्न करके यू कैन गेट योर मनी बैक। आई थिंक 3 या 4 हज़ार की सिक्योरिटी लगती है, दैट्स इट। और वो एक बेटर ऑप्शन है, बिकॉज जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है आप फिर इतना रिपीट नहीं कर पाते। सो या ये गलती मैं एक और शेयर करने वाली हूँ। सो दिस वॉज माई फाइनल ज्वेलरी जो मैंने बहुत सारे चेंजेस के बाद करी, और फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई फेल्ट लाइक मुझे मैं और कुछ बेटर कर सकती। स्पेसिफिकली मांग टीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अपना, मैंने उस टाइम तो लगवा लिए, वो मोटे मोटे बीड्स मुझे बाद में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। एंड आई थिंक अगर आप चिनार ज्वेलर्स पे जाओगे ना, आप उनके रेंटिंग ऑप्शन देखोगे, वो ज़्यादा अच्छे हैं। आप रेंट कर लो, सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं वो आपसे, खाली वही वो लेते हैं, बाकी सारा आपका रिटर्न हो जाता है। सो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। मुझे किसी ने पहले बताया होता तो मैं वही चली जाती, मुझे सदर के धक्के ना खाने पड़ते। दिस वॉज माई ब्राइडल लुक। मेकअप मैंने कराया था कृति डीएस से, जिनका सैलून है पीतमपुरा में। कृति डीएस आई थिंक मुझे सबसे रीजनेबल लगी, बिकॉज मैंने पारुल गर्ग, गुनीत वीरदी, लीना भूषण सबके प्राइजेस देखे, एंड कृति डीएस उस सेंस में काफ़ी अच्छी लगी मुझे। उनका अफोर्डेबल भी था, प्लस वो हेयर वॉश भी देती है उनके सैलून में, आपको जाती है वॉश, फेस पैक, पता नहीं वो सब कुछ करके आपको देते हैं। उनका हर चीज़ के लिए जोन लगता है अपने सैलून में, हेयर का अलग जोन था, मेकअप का अलग, तो काफ़ी जल्दी रेडी हो जाते हैं। अगर आपको एकदम टाइम पे रेडी होना ना, कृति डीएस इज़ अ नाइस ऑप्शन। मेकअप भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोला था मुझे अपने टोन का मेकअप चाहिए, मुझे गोरा नहीं होना और मुझे एक पीओपी जैसा मेकअप नहीं चाहिए, तो एक अच्छा लाइट कवरेज वाला मेकअप दिया था जो सुबह तक बहुत अच्छा था, क्रैक नहीं हुआ था। सो डेफिनेटली आई रियली लाइक द मेकअप। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल आउटफिट, विच इज द रिसेप्शन आउटफिट, जो काफी लोगों को पसंद आया। मैंने रिसेंटली फोटोज भी डाली थी अपने रिसेप्शन आउटफिट की, एवरीबडी लव्ड इट, बिकॉज काफी अच्छी गोल्डन ग्लैम लुक थी। सो रिसेप्शन आउटफिट क्या होता है, आई थिंक सब में यही रिचुअल होता है कि जो रिसेप्शन का, या फिर अगर आप रिसेप्शन नहीं करते, अगर आप सगन करते हो, तो वो जो आउटफिट होता है वो लड़के वालों की तरफ से आता है। जस्ट लाइक लड़की वाले लड़के का ग्रूम वाला जो लुक होता है शादी का, वो शेरवानी करते हैं, तो सेम वे में रिसेप्शन का भी जो आउटफिट होता है वो लड़के वालों की तरफ से होता है। सो वी वेंट टू करोल बाग, उसके बाद हम फाइनली गए थे रजौरी। रजौरी में हमने बॉम्बे सिलेक्शन भी देखा, बहुत सारे शोरूम्स देखे, तो उसके फाइनली जो लास्ट में, मतलब हमने पीछे से शुरू किया था और आगे आगे आते हैं जहाँ से रजौरी मार्केट शुरू होती है, वहीं पर भी हम गए लकी सिल्क स्टोर। एंड लकी सिल्क स्टोर में उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाए, बट एक जो ऑप्शन वो अंदर से लेके आए ना, दे सेड ये आपको पसंद आने वाला है, वो जैसी लेके आ रहे थे We loved it. मतलब my sister-in-law was also loved it. My mother-in-law really liked it. वो मैंने try किया और बहुत अच्छा लगा, मतलब it was exactly a lehenga I wanted. मुझे golden outfit पहना था reception पे, जैसे आप सारा outfit देखो ना celebrities के reception में पहनते हैं, golden attire वाला होता है, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही पहनना था। So ये भी हमें काफ़ी अच्छे price में मिल गया था, I think it costed them around 30-35K if I'm not wrong, या इतने के अराउंड था। डिस्काउंट करके इस पर भी 15-10% ऑफ की सेल चल रही थी, और एक काफ़ी अच्छे टाइम पर उन्होंने ऑल्ट्रेशन करके दे दी। इसका ब्लाउज का कट बहुत प्रिटी था, इसकी लटकन बहुत प्यारी थी। सो दिस वाज द होल लुक। एंड मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैंने घर पे ही बुला ली थी, मुझे इंस्टाग्राम पे रैंडमली दिख गई थी वर्षा मेकअप आर्टिस्ट, आई थिंक दैट्स हर नेम। सो मुझे दिख गई थी, मुझे इनका काम अच्छा लगा, मैंने उनको डीएम किया, बिकॉज आई थिंक शादी से 2 या 3 दिन पहले मैंने बुक कराया था। सो शी सेड या मैं घर आके कर देती हूँ। सो ऑब्वियसली मैंने शादी होने के बाद तो ऑब्वियसली ससुराल में ही होते हैं, तो मैंने घर पर ही इनको बुलाया था। हेयर इन्होंने बहुत अच्छे करे, जो लेके आई थी ना अपने साथ हेयर स्टाइलिस्ट, वो बहुत अमेजिंग था। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन लगाया ना, ओ माय गॉड, जो पूरी आई थिंक आउटफिट अपलिफ्ट हुआ था ना, वो उस एक्सटेंशन और हेयर की वजह से हुआ था, बिकॉज वो लुक बहुत प्यारी आ रही थी। एंड ऑफ कोर्स रेड लिपस्टिक, जो सबको पसंद आएगी, रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। मैंने अपने ब्राइडल आउटफिट पे रेड लिपस्टिक नहीं कराई थी, बिकॉज रेड लहंगा था, एंड आई वाज लाइक यार माता रानी वाली फील नहीं आनी चाहिए रेड लिपस्टिक लगा के। सो मैंने ब्राइडल पे अवॉइड किया था, बट रिसेप्शन पे आई वेंट ऑन फॉर रेड लिपस्टिक, एंड दैट इज हाउ द होल लुक टर्नड आउट। सो दिस वाज माय रिसेप्शन लुक। दीज वर ऑल द लुक्स दैट आई कैरीड इन माय वेडिंग फंक्शन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रही होगी। मैंने खाली ये नहीं बोला मैंने चीजें कहाँ से ली हैं, साथ साथ मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया है। सो डेफिनेटली शेयर करो ये वीडियो, अगर आपके घर में शादी हो रही है आपके फ्रेंड के रिलेटिव की, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम एज वेल, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। आई विश मेरे टाइम पे किसी ने ऐसी वीडियो बनाई होती तो मुझे भी काफी सारा ज्ञान मिल जाता। जो भी पॉसिबल डिटेल्स होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लेना। अदरवाइज यू कैन वॉच माय रील्स एंड ऑल, मैंने बहुत सारी शॉर्ट रील्स बनाई हैं, लॉन्ग वीडियोस बनाई है। मेरे ब्राइडल आउटफिट की पूरी एक लॉन्ग वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हो। मैंने बहुत सारा उसमें ज्ञान दिया है रिलेटेड टू ब्राइडल शॉपिंग, जो मेन ब्राइडल आउटफिट की शॉपिंग होती है, मैंने उस पर काफी सारी नॉलेजेबल ज्ञान उसमें दिया है। सो वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड या दैट इज अवर डेज वीडियो। डू लेट मी नो आपकी फेवरेट लुक कौन सी थी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना विच वॉज योर फेवरेट लुक। And that is it for today's video. I'll see you next time. Bye-bye.